इस वाली भाजपा उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने कई गांव का दौरा कर मतदाताओं से आने वाली 25 तारीख कमल के निशान पर बटन दबाकर वोट देने की अपील कर आशीर्वाद मांगा। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने बचेल, कला, सरकन्या, मूडला, छतपुरा, रायथल, नवलपुरा आदि गाँव में जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस की विफलताओं के बारे में लोगों को बताया कि जनता के साथ धोखा कर कैसे लूटा गया। मीणा ने बताया कि मुझे हाईकमान के आदेश पर अंता मांगरोल विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया, साथ ही यहाँ के भ्रष्टाचार का खात्मा करने का आदेश मुझे दिया गया। इस क्षेत्र में कांग्रेस शासक ने दलालों ने जनता को जमकर लूटा है। अवैध मिट्टी खनन के वाहनों से कई लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लोगों से झूठे वादे कर लुभाते आ रहे हैं और बताया कि मैंने कई गाँव का दौरा कर लिया है लेकिन कोई खास विकास देखने को नहीं मिला। लोग अपनी समस्या बताते बताते थक जाते हैं। जनता का दुख में नजदीक से देखकर हैरान हो रहा हूं कि यहां के मंत्री ने आज तक क्या विकास करवाया है सिवाय दिखावे के। अब यहां के भ्रष्टाचारी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के समय आ गया। मीणा ने बताया कि किसी से डरता नहीं हूं, मैं ईमानदारी के साथ जनता के साथ जुड़ा हुआ हूं और हमेशा खड़ा रहता हूं। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं। मुझे जनता का प्यार एवं अपार समर्थन मिल रहा है। जहां जाता हूं कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। रायथल में कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन पकड़ा। भाजपा उम्मीदवार कंवरलाल मीणा का कजरी की लालबाई माताजी बस स्टैंड से लेकर जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। अखाड़े की चबूतरी सीस वाली मंडल महामंत्री दिनेश दाधीच, कौशल शर्मा, रवि मीणा, राकेश सुमन सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साफा बंधन बांध कर माला पहना कर जोरदार स्वागत किया। सीसवाली मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर बोहरा, जिला मंत्री मोधवज मीणा, दिनेश सोनी, भगवती गौतम, तिरुलाल सुमन, मुकेश शर्मा, हेमंत मीणा, मनोज मालव, महेंद्र अकेला, मनोज भूस्वामी, छोटा नेता सहित आसपास क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता साथ हैं। चलो अंता विधानसभा क्षेत्र में मैं नया नहीं हूँ। अंता विधानसभा क्षेत्र में जनसंघ के जमाने के हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे भ्रमण के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पदाधिकारी तो चुनाव लड़ ही रहा है, जनसंघ जमाने के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के नवयुवक, यहाँ के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे को जिताने के लिए एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। 16 बार पेपर लीक, जिससे परेशान स्टूडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसान परेशान वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ट्रैक्टर वालों की रसीद कटती 1.5 लाख रुपए की वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मकानों का बिल आता है लाइट का ज़्यादा वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापारी भी चुनाव लड़ रहा है, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बात नएपन की, पुरानेपन की, और वो इतना पुराना है मेरा दोस्त, मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला, तो फिर मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला अगर वो पुराना है तो उसको गांव में क्यों घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसको क्यों भगाया जा रहा है।